दुनिया पर कहर बनकर बरपे कोविड 19 को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस अमेरिका में तबाही मचा रहा है। ऐसे में हर रोज व्हाइट हाउस में अपनी प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर निशाना साधते हैं। ट्रंप का आरोप है कि ये वायरस साजिश का वायरस है और वुहान की लैब से निकला है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि अमेरिका के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वुहान लैब से ही वायरस निकला। पोम्पियो के इस बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे संपादकीय में अमेरिका के इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है कि कोरोना वायरस वुहान लैब से लीक हुआ। अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि CIA के पूर्व निदेशक ने आधारहीन आरोप लगाकर दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। पोम्पियो ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, तो फिर दुनिया के सामने वो सबूत पेश क्यों नहीं करते, विशेषकर अमेरिकी जनता के सामने तो ये सबूत पेश करें जिन्हें वो लगातार बेवकूफ बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि पोम्पियो के पास कोई सबूत नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी सरकार का ये भी आरोप है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस के बारे में दुनिया से जानकारी छिपाई। दरअसल ट्रंप अमूमन हर रोज चीन की साजिश वाली थ्योरी पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि चीनी लैब से ही ये वायरस लीक हुआ है और अब दुनिया में लोगों की जान ले रहा है। पोम्पियो ने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया। जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस से निपटने में ट्रंप प्रशासन नाकाम रहा है और इसलिए वहां इतनी मौतें हो रही हैं। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और ट्रंप नहीं चाहते कि कोरोना पर उनकी नाकामी उनकी हार का कारण बन जाए, इसलिए वो सारा आरोप चीन पर थोपना चाहते हैं। ट्रंप सिर्फ चुनावी वजह से चीन को निशाना बना रहे हैं और युद्ध के हालात पैदा कर रहे हैं। ऐसा दावा करने वालों की बात में सच्चाई इसलिए भी दिखती है क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक, जिनमें अमेरिकी भी शामिल है, इस बात को खारिज कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मैनमेड है।